झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को अब खुले जेल में रखा जाएगा। झारखंड सरकार ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसी के तहत बदलाव करते हुए यह नीति व्यवस्था लागू की गई है। कैबिनेट ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जाएगा। 20 जिलों के 24 अधीन न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दे दी गई है।